सो गाइस, गर्मी का सीज़न आते ही इन्वर्टर की बैटरी ख़राब होने लगती है। क्या होता है, जैसे ही लाइट ऑफ हो जाती है, जैसे ही लाइट चली जाती है, तो तुरंत इन्वर्टर पे आपको यहाँ पे रेड मार्क आपको दिखाई देगा बैटरी लो इंडिकेशन का, जिससे आपके फ़ैन, लाइट, आपकी टीवी, जहाँ जहाँ आपने इन्वर्टर पे कनेक्शन दिए गए वो सारे बंद हो जाएंगे। और जैसे ही आपकी लाइट ऑन रहती है, जब लाइट रहती है, जब मेन से सप्लाई आता है, तब इन्वर्टर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग फुल दिखाता है, मतलब 10 से 15 मिनट में ही आपकी बैटरी फुल चार्ज दिखाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या इसका प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लाइट रहती है प्रॉपरली, इन्वर्टर चार्जिंग होता है, चार्जिंग दिखाता है, जैसे ही लाइट चली गई तो यहाँ पे लो इंडिकेशन दिखाता है, रेड मार्क दिखाता है, तो इसका मेन रीज़न क्या है, ऐसी कौन सी सेटिंग करनी चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से ये प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैक्सिमम टाइम देखेंगे तो इन्वर्टर में आपको खराबी नहीं दिखेंगी, 80 से 90% आपको इन्वर्टर में खराबी नहीं दिखती, खराबी होती है आपके इन्वर्टर की बैटरी में ही। अब यहाँ पे खराबी भी नहीं बोल सकते, इसमें कुछ इशू रहता है, तो कौन सा इशू है तो वो अभी डिस्कस करेंगे। जब आपकी इन्वर्टर की बैटरी को 3 साल 4 साल 5 साल हो जाते हैं, थोड़ी पुरानी हो जाती है, तब इस तरीके से प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, और इस सेटिंग की मदद से आपका इन्वर्टर का लाइफ जो है वो सालों साल चलेगा, मैक्सिमम चलेगा। अब आपकी यहाँ पे कोई भी बैटरी हो सकती है, एक्साइड की, ल्यूमिनस की, एमरॉन की, लोकल कोई भी कंपनी की बैटरी हो, आपको आपके इन्वर्टर की बैटरी में प्रॉपर वाटर डालना होता है। ये आपको पता ही होगा कि आपको आपके इन्वर्टर की बैटरी में डिस्टिल वाटर डालना है। आपको आपके इन्वर्टर की बैटरी पे यहाँ पे लेवल इंडिकेटर दिखेंगे जो रेड और ग्रीन मार्क करता है, ये आपको समझ में आता है, फिर भी आपको ये ओपन करके देखना है और जितना सुटेबल वाटर है उतना वाटर आपको इसमें डालना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी के जो टर्मिनल है वहाँ पे ये लगा है जंग, वहाँ पे लगा है सल्फेशन, ये आपको साफ करना है। इस वजह से होता क्या है, अब ये जो सल्फेशन है, ये जो जंग लगा हुआ है, इस वजह से इन्वर्टर ये प्रॉपरली बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, बैटरी से जो करंट आना है वो प्रॉपर नहीं आएगा। आपको करना क्या है, सारे कनेक्शन बंद कर दीजिए, केबल निकाल लीजिए, उसको प्रॉपरली साफ कीजिए, जो जंग है वो सब कुछ साफ कीजिए, प्रॉपरली साइन पेपर से उसको घिसिए, और वहाँ पे सल्फेशन जमा है तो वहाँ पे पेट्रोलियम जेली का यूज़ कीजिए और लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। या फिर वो नहीं है तो घर पे वैसलीन होंगी, 5 रुपए की डब्बी मिलती है, वो बाहर जाइए लेके आइए, वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके लगा लीजिए, प्रॉपरली वो साफ हो जाएगा। जंग लगने की वजह से करंट पास नहीं होता है और इन्वर्टर ये प्रॉपरली चार्ज नहीं करता, इस वजह से होता यह है कि बैटरी के वजह से ही आपका इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो प्रॉपरली आप ये टर्मिनल खोल दीजिए, उसको साफ कीजिए और उसके बाद में दोबारा कनेक्शन कीजिए, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो आपका लो इंडिकेशन दिखाता है वो लो इंडिकेशन नहीं दिखाएगा, प्रॉपरली आपको बैकअप मिलने लगेगा। तो ये कुछ सेटिंग थी, ये कुछ ऑप्शंस थे, ये अगर ये आप करते हैं बिल्कुल, तो आपके जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपको प्रॉपरली बैकअप मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे और कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा कमेंट कीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे जो भी वीडियो आएंगे आपको सबसे पहले मिलने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। सो बाय।